नमस्कार, अवध न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। नोडल अधिकारी कुमार विनीत ने आज सीतापुर के रामपुर मथुरा पहुंचकर सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। सीएचसी में अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो ग्रामीण क्षेत्र को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। यह वक्तव्य कोविड नोडल अधिकारी कुमार विनीत ने सीएचसी रामपुर मथुरा में निरीक्षण के दौरान कही। ग्रामीण क्षेत्र के इस अस्पताल में न तो एक्सरे की सुविधा है और न ही अल्ट्रासाउंड की, इस वजह से मरीजों को करीब 25 किलोमीटर दूर का सहारा लेना पड़ता है। रामपुर मथुरा के सीएचसी में कोविड नोडल अधिकारी कुमार विनीत लगभग 12:30 बजे निरीक्षण करने पहुंचे। यहां पर इन्होंने कोविड 19 से बचाव की सुविधाओं, मरीज रजिस्ट्रेशन नंबर, डिलीवरी रजिस्टर, परिसर की साफ सफाई का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में दवाई लेने आए नरेंद्र कुमार निवासी गोराकुटी का पिपरमिंट की टंकी से पैर जल गया था। तथा लक्ष्मी सोनी पुत्री राजेश सोनी निवासी नहरवल ने भी दवाई लेने आई थी। इन मरीजों से नोडल अधिकारी ने मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। सीएचसी में चल रहे कार्यों व मरीजों को मिल रही सुविधाओं से संतुष्टि जाहिर करते हुए वह वहां से रवाना हुए। आगे सुने क्या बोले नोडल अधिकारी। क्या क्या कमियां पाई गई और क्या क्या सुधार होने के निर्देश आपने दिए? देखिए, शासन के निर्देश पर सभी जनपदों में एक एक नोडल ऑफिसर, विशेष सचिव रैंक के ऑफिसर इस समय तैनात हैं और हमारा कार्य है बेसिकली ये देखना कि दो पार्ट है, एक तो कोविड के संबंध में इलाज की क्या स्थिति है और दूसरा नॉन कोविड हॉस्पिटलों में मरीजों के इलाज और उनके व्यवस्था और उनकी सुविधा के संबंध में। हमें यह भी देखना है कि प्रत्येक हॉस्पिटल इस बात को इंश्योर कर ले कि किसी को सर्दी खांसी बुखार की जैसे लक्षण हो तो उनको इमीडिएटली अलग से ट्रीटमेंट हो और हॉस्पिटल में ज़्यादा से जल्दी उनको देखा जाए और जिससे कि अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में लोग ज़्यादा ना रहे। सर, यहाँ की यहाँ पर देखा हमने, आपके साथ आप भी थे साथ में और कुछ चीज़ें वाकई यहाँ के परिप्रेक्ष्य में मैं शासन के संज्ञान में भी लाऊंगा कि यहाँ पर एक तो न्यूट्रिशन की कहीं ना कहीं कमी महिलाओं में लग रही है क्योंकि स्टिल बर्थ 2-3 पिछले 90 इस महीने में करीब 85 या 84 बर्थ हुई हैं जिनमें से 7 या 8 स्टिल बर्थ हैं, वो थोड़ा सा चिंताजनक ज़्यादा है और लो बॉडी वेट के बच्चे भी हैं यहाँ पर। अदरवाइज़ यहाँ पर मैंने देखा कि ओपीडी में लोग बैठे भी थे, हम औचक रूप से आए थे उसके बाद भी लोग ओपीडी में बैठे हैं, चल रहा है इलाज। टॉयलेट एक थोड़ा सा सफाई व्यवस्था और बेहतर करने की आवश्यकता है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।